हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। सुबह सुबह का टाइम है। मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ, मैं क्रेन ऑपरेटर का। तो मैं आप सभी को क्रेन ऑपरेटर, ट्रैवलर क्रेन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। आप सब देखिए, ये ट्रैवलर क्रेन है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी हमारे मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हैं, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं इंडिया में, हाइड्रा चला रहे हैं, क्रेन चला रहे हैं, हेल्पर ही कर रहे हैं क्रेन पे, वो लोगों को शौक है कि हम भी क्रेन चलाएं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक क्रेन खड़ी है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्रेन खड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैटरी ऑन करेंगे, ठीक है। क्रेन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बैटरी ऑन करते हैं ना, ठीक है। हम बैटरी ऑन करते हैं, इधर से ऑन होता है, मैं आपको बताता हूँ। पूरा क्रेन है, ठीक है। देखिए मैं अभी साइड पे हूँ, इसलिए हेलमेट में अभी काउंटर वेट है, पीछे हमारा पीछे काउंटर वेट है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बैटरी ऑन होगा, पहला बॉक्स में बैटरी है। मैं खोल कर अभी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। वो देखिए सामने बॉक्स जो दिख रहा है, उसी का अंदर बैटरी ऑफ ऑन सप्लाई, इसको ऑफ ऑन कर देंगे, ठीक है। रेडी वाटर है, ठीक है। और इधर आइए, बैटरी ऑन करने के बाद सबसे पहले बैटरी सप्लाई आ गया, तो हम केबिन में चल के आपको दिखाएंगे। ये हमारा काउंटर वेट, काउंटर वेट आगे भी लगा है और पीछे भी लगा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा काउंटर वेट है। इधर हमारा ये देखिए, ये मस्ट, ये हमारा लेबल है, क्रेन चलाने के लिए लेबल चेक करते हैं ना। ये हमारा लेबल है, देखिए ये लेबल मस्ट है, कोई भी हैवी लोड उठाने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए ये लेबल होना क्रेन का बहुत ही ज़रूरी है। लेबल रहना चाहिए, ठीक है। लेबल रहेगा तो हमारा लिफ्टिंग सेफ होगा, ठीक है। और आगे आइए, नेक्स्ट टाइम हम केबिन में चल के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा केबिन है, हमारा सीट है बैठने का, देखिए। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केबिन के अंदर आ गए हैं, एक एक स्टेप बताने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी मोबाइल क्रेन चला रहे हैं उनको शौक होगा कि हम भी कभी क्रावलर क्रेन चलाएं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्रावलर क्रेन के बारे में, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऊपर बॉटम है, देखिए, ठीक है। ये मेन, उधर से बैटरी ऑन करती है, ये दबा देंगे, ठीक है, ये वाला फर्स्ट नंबर। उसके बाद से हमारा क्रेन स्टार्ट हो जाएगा। अब किधर से स्टार्ट होगा ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा इंजन स्टार्ट है, इंजिनेशन है इधर। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं,
ठीक है, बैटरी ऑन हो गया, इधर इंजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा एसी, इधर एसी है तो एसी चालू करेंगे। ठीक है, कौन सा है ये देखिए, ये एसी ऑन कर देंगे। ठीक है, एसी ऑन कर देंगे, हमारा एसी चालू हो गया। देखिए हमारा एसी चालू हो गया, हमारा इधर फैन है तो फैन भी चला लेते हैं। फैन चला लेंगे तो आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देगा, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहले बैटरी ऑन कर दिए, पावर आ गया, पावर आ गया, उसके बाद से हम इधर आके ये जो हमारा बटन है इसको ऑन कर दिए। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद से ही क्रेन स्टार्ट होगा। ऑन करने के बाद से क्रेन स्टार्ट हो गया, क्रेन स्टार्ट होने के बाद ये इसको हम पुश करेंगे, ये वाला पीटीओ है, ये देखिए लीवर के जस्ट नीचे एक पीटीओ नहीं है इसमें, लेकिन ये मास्टर स्विच है। इसको डाउन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शो करेगा, कंप्यूटर में लाइट आ जाएगा। देखिए ये डाउन कर दिए, अब हमारा जूम लेन क्रेन है ये ZCC 850, ओके 850 ZCC 850 है। अब ये लाइट आ गया, हमारा कंप्यूटर शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सारा चीज़ दिखाएगा, देखिए कंप्यूटर में F1 F2 F3 ये सब कंप्यूटर का सेटिंग है, मतलब सेटिंग होगा। ठीक है, ये H1 H2 ये हमारा विंच ड्रम है। ठीक है, ये हमारा हर चीज़ इसमें शो करेगा, हमारा क्रेन का हर बायोडाटा इसी में, इसी के आधार पर हम काम करेंगे। ठीक है, हमारा कैपेसिटी यहाँ बनता है, हमारा एक्चुअल लोड बनता है, ये हमारा रेडियस है, इसमें सब चीज़ शो कर, हमारा ये रेडियस है। इसके बारे में बाद में एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा राइट हैंड वाला लीवर है, पायलट लीवर है इसमें। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट वाला लीवर है, ये दो ही, इसको इंग्लिश में जो स्टिक बोलते हैं, इसी से हम काम करेंगे, जो स्टिक बोलते हैं इसी से हम काम करते हैं, जो स्टिक से जो भी काम करना है, जो भी ऑपरेट करेंगे सब दोनों ये इसी दोनों लीवर से हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी ऑपरेट है उनको तो मालूम ही है, और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा लेफ्ट राइट अप डाउन यानी प्लस का चिन्ह है ना, प्लस बनाना है इसमें, प्लस बनाना है लेफ्ट वाला में, प्लस बनाना है राइट वाला में। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया डाउन, ये अप, लेफ्ट राइट, ऐसे ही होता ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, ओके। इसका काम क्या है, ये राइट करेंगे तो बूम डाउन होगा, लेफ्ट करेंगे तो बूम अप होगा, ओके। नीचे करेंगे, डाउन करेंगे तो हमारा वायर अप डाउन होगा, अप करेंगे तो हमारा वायर अप होगा, सही है। ये एक सिस्टम में चार फंक्शन है। ठीक है, सेम उसी तरह इसमें भी हमारा देखिए लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, नीचे डाउन हो गया, ऊपर ऑफ हो गया, ये भी प्लस है। प्लस को ध्यान में रख के आपको इस लीवर को पुश करना है, दबाना है, ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये प्लस के ध्यान में रख के इसको लीवर को दबाना है। जैसे नीचे दबाना है, छोटा हुक दबाना है तो नीचे करेंगे यानी कि डाउन हो जाएगा हमारा हुक, ऊपर करेंगे तो हमारा हुक ऊपर होगा, सही है। फिर लेफ्ट राइट स्विंग का है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट स्विंग होगा और राइट करेंगे तो राइट स्विंग होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी को तजुर्बा करना है, यही दो चीज़ है, इसी को तजुर्बा करना है, और इसके फंक्शन के बारे में पहले समझ लेते हैं कौन क्या है। देखिए ये हमारा मेन सप्लाई है कनेक्शन, फिर ये हाई स्पीड लो स्पीड है, इधर वाइपर का है, ये लाइट का दिया है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट सिलेंडर यानी कि बूम
बूम का लॉक है, ये बूम अप डाउन होता है उसका है, और एक कूलेंट का है, कूलेंट का है इंजन ठंडा रखता है, ठीक है। ये हमारा स्विंग का है, और H1 H2 ये हाई स्पीड का है, H1 H2 यानी कि ये विंच ड्रम, H1 H2 विंच ड्रम को बोलते हैं। यही है, इतना सिंपल सा बात है। फिर मैं इसको ऑन करता हूँ, ये नीचे करेंगे तो कंप्यूटर में हमारा लाइट आएगा। लाइट आने के बाद से AF सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। AF से सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर, और सेटिंग करने के लिए इस कंप्यूटर में वायर ऑफ चेंज करने के लिए, हुक प्लग चेंज करने के लिए, क्या हमारा बूम कम करना है, इसमें सब सेटिंग में मैं अगला वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान गए। क्रेन स्टार्ट कर दिए, और इधर आके देखिए, ये हमारा दो लीवर, इससे हम ट्रेवलिंग करते हैं। और बगल में हमारा, ये हमारा बगल में एस्केलेटर है, ठीक है, एस्केलेटर है, और ये हमारा ट्रेवलिंग का है। अब इसको आगे करेंगे तो हमारा आगे जाएगा, और पीछे करेंगे तो पीछे जाएगा। देखिए हमारा वो चल रहा है, चेन ट्रैक चल रहा है, इसीलिए दोनों हमारा ट्रेवलिंग का है। ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को सबसे पहले क्रेन चलाने के लिए लोड चार्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, रेंज डायग्राम समझना पड़ेगा, तब आप एक क्रेन चला सकते हैं। अभी मेरा इधर क्रेन का 52 मीटर बूम है, और इसका टोटल क्रेन का बूम लेंथ होता है समझ लीजिए 61, ओके। देखिए यहाँ पे हर चीज़ शो करता है कंप्यूटर में, ये 52 लिखा है ना, 52 का लोगो है, ये हमारा बूम लेंथ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये हमारा एंगल है, बीच में जो है ये हमारा एंगल है, ये हमारा टिप हाइट हो गया, ओके। H1 H2 क्या है, वो विंच ड्रम है, H1 H2 विंच ड्रम है, यानी कि छोटा हुक बड़ा हुक का विंच ड्रम है। देखिए वो पीछे वो दिख रहा है, H1 H2 यानी कि फर्स्ट विंच ड्रम, सेकेंड विंच ड्रम, ठीक है। यही सब जानकारी है, तो मैं सबसे पहले ये हम अपने इंडिया के जितने भी हाइड्रा ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर हैं, वो लोग सुनते हैं कि हम भी क्रेन चलाएं, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाया हूं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी हमारे वीडियो से हुआ होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, हेल्पर ही कर रहे हैं, उनको भी शौक होगा कि हम आप क्रेन चलाएं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप क्रेन चलाइए, और क्रेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझ होना चाहिए हर चीज़ का, बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्रेन के बारे में, क्रेन कैसे काम करता है, लोड चार्ट, रेंज डायग्राम के बारे में, ये सब अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, तब आप एक अच्छा ऑपरेटर बन सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक ये पहला वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग कैसा लग रहा है, आप थोड़ा बताएं आप लोग कि हमारे वीडियो से कितने आदमी को फ़ायदा हुआ, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे जितने भी बिहार यूपी के खास लोग हैं, हेल्पर लोग हैं, उनको लगता होगा कि हम भी सीखें क्रेन, तो आप सीखिए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही है, इसमें जहाँ ना कहीं क्रेन का बहुत योगदान होता है, हर कंस्ट्रक्शन में, हर फील्ड में क्रेन है, मस्ट होता है, क्रेन रहेगा तभी इतना बड़ा बुर्ज खलीफा तैयार हुआ, नहीं तो नहीं होता ना। इसीलिए क्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, और आप लोग ट्रेनिंग में, इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएं, क्रेन सीखें, ठीक है। क्रेन सीख के घर में मत बैठे, घर बैठ जाओगे तो फिर भूल जाओगे सब चीज़। आप जब तक क्रेन पे नहीं आओगे, क्रेन पे बैठोगे नहीं, आप अपना स्टार्ट नहीं करोगे जॉब, तब तक आपको तजुर्बा नहीं होगा, तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब तक आप एक बार सीट पर बैठ गए तो समझ लीजिए आपको हर वो चीज़ का हर वो दिन सीखोगे, यानी 2 महीना 3 महीना जब तक क्रेन नहीं चलाओगे तब तक तजुर्बा नहीं होता है, यानी एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको हाथ बैठेगा नहीं, हाथ मतलब
आपका जो कितना पे कैसे चलता है क्रेन, कैसे मूव करेंगे, कितना पे स्पीड देंगे, झोल नहीं मारेगा, हमारा माल कैसे उठाएंगे, कैसे डाउन करेंगे, जब तक ये काम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको अंदर से ये इलिम नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ आज से ही आप ठान ले जो और मन बना ले कि हमें क्रेन सीखना है और क्रेन ही सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। जब आप मन बना लेंगे और तब क्रेन ऑपरेटर बन गए। इसलिए मैं हम जितने भी हमारे भाई लोग हैं बिहार यूपी के, जितने भी इंडिया के, जितने भी हमारे आदमी, तमाम आदमी हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि हर वो चीज़ें रियली जो जनरली जो मैं कर रहा हूँ हर एक चीज़ बताऊँ जिससे उनको फ़ायदा हो सके, जानकारी मिल सके, ठीक है। और मैं जाते जाते एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि क्रेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस दिल बड़ा होना चाहिए और जिगर होना चाहिए, जिगर है और दिमाग होना चाहिए, दिमाग में अंडरस्टैंड होना चाहिए, लोड चार्ट, रेंज डायग्राम, ये सब अंडरस्टैंड होना चाहिए। और ये हमारा कंप्यूटर में हर वो चीज़ शो करता है, हर वो चीज़ और डेंजर है, लिफ्टिंग कर रहे हो वो कुछ, आप ओवरलोडिंग माल उठा रहे हो तो इसमें आपको शो करेगा, आपको वार्निंग भी देगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना ले और जॉब को च्वाइस करें, कौन सा जॉब करना है, आप क्रेन चलाना है तो आप कन्फर्म करिए अपने मन तन से कि हाँ मेरे को क्रेन ही चलाना है, ठीक है। इसी के साथ मैं दो चार वीडियो डालूँगा कि जो कि मेरे वीडियो से हर आदमी सीख सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।